अभी रुक गया, फोटो खींच रहा, बोल के रुक गया देख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा घूमने के लिए निकले, ऐसे टाइम नहीं मिला था और मेरा तबीयत भी खराब था और एक जगह पे काम करता हूँ बोल के टाइम भी नहीं मिलता मेरे को हाथ में ऐसे। तो आज बहुत दिन के बाद भैया वगैरह आए तो घूमने के लिए आए हैं, ऐसा जगह है पूरा आप देख सकते हो जगह पूरा, और एक गाड़ी लेके आया है इधर, ठीक है। और भाई वगैरह पीछे मेरा देख सकते हो, भाई वगैरह पीछे वगैरह सब है इधर, बहुत दूर पे है। तो ये पूरा बीच का टूर है आज, सिर्फ जो बीच पे है उड़ीसा का डोगरा बीच है, यहाँ पे घूमने के लिए आए। अगर आप लोग भी आ सकते हो मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा, लोकेशन वगैरह नहीं तो दे दूंगा। यहाँ पे अच्छा चीज़ है, क्या दीघा जैसा भीड़ भट्टा नहीं होता इधर, ऐसे नॉर्मली आके फैमिली लेकर पिकनिक कर सकते हो। यहाँ पे सामान वगैरह सब मिल जाता है आपको इधर, भाड़े पे सब मिल जाएगा सामान वगैरह। ये जो दुकान वगैरह आप देख रहे हो उधर, और भाड़े पे सब कुछ सामान वगैरह मिल जाता है उधर। और ये पीछे पूरा मेरा झाँव का पेड़ देख रहे हो ना, उसके अंदर जाके पिकनिक वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे जब लोकल 25 दिसंबर वगैरह आता है या कोई ओकेशन वगैरह आता है तब जाके यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आता है, नहीं तो ऐसा कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं आता है ऐसे। और ये पूरा वहाँ पे मछवारी होता है, यहाँ पे ये मछवारा साइट, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मछवारे लोग इधर मछली पकड़ते हैं इधर। और आपको एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अच्छा है क्रेप वगैरह जो रेड कलर का क्रेप वगैरह निकलता है ना, वो इतना निकलता नहीं, तो पूरा बीच, ये पूरा बीच लाल लाल हो जाता है। अभी मेरे पीछे देख सकते हो रेड क्रेप वगैरह है, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा रेड क्रेप वगैरह कैसा है। तो पास जाऊंगा तो अंदर वो इधर होल है ना, वो होल के अंदर घुस जा रहे है इधर, ये वाला होल है ना, होल के अंदर घुस जा रहे है ये वाला रेड कलर वगैरह देख सकते हो, पूरा दूर तक लाल, देखो पूरा दूर जितना दूर तक देखोगे पूरा लाल ही लाल है, दूर तक पूरा लाल मिलेगा आपको। अभी बारिश का बोल के पानी वगैरह है बोल के इतना नहीं निकाल रहे, तो पूरा ये जो सूखा ब्रिज भी दिख रहा है ना, ये पूरा एकदम रेड से भर जाता है पूरा एकदम दूर तक। यहाँ पे वहाँ पर मछली वगैरह पकड़ते हैं बोल के पूरा खाली है, जब ओकेशन वगैरह होता है तब जाके ज़्यादा भीड़ होता है इधर, ये तो नहीं होता है। अब अगर आके पिकनिक वगैरह कोई भी गाना वाना चला, कोई भी फैमिली लेकर सब आके कर सकते हो इधर, अच्छा जगह है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, दीघा की तरह डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कोई, क्योंकि दीघा में बहुत सारे लोग आते हैं इधर। उस साइड में दीघा है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, करीबन 10-15 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इधर से जाएंगे तो घूम के। तो ये पूरा रहा बीच का टूर, अगर कभी आ सकते तो आ जाना इधर घूमने के लिए, अच्छा जगह है। ऐसा कुछ है नहीं इधर, क्योंकि नया नया बीच अभी निकला है बोल के, ऐसा कुछ है नहीं, नहीं तो जहाँ पेड़ के अंदर जाकर पिकनिक वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। ये गाइस पूरा रेड क्रेप देख सकते हो, पूरा लाइन पे बैठा हुआ, अभी पास में जाएंगे तो सब निकल साथ में चला जाएगा, दिख रहा है पूरा रेड क्रेप यहाँ से, ये रहा पूरा रेड क्रेप इधर से, सब हम लोग जा रहे बोल के सब घुस जा रहे हैं अंदर, कितना बैठा है देखो, पूरा लाइन से बैठा है एकदम, पूरा लाल लाल दिख रहा है, पूरा लाइन से बैठा है, एक को पकड़ेंगे बट पकड़ नहीं पाते ना, जब जा रहे हैं सब घुस जा रहा जाके, देखो सब लाइन पे जा रहे, देखो दौड़ दौड़ के सब जा रहा है, देखा कितना है, देखो देखो भाई रेड कलर, देखो पूरा लाल कलर, देखा सब जा रहे हैं अभी, पूरा पानी के अंदर जा रहे सब, देखो कितना है उधर, ये देखो सब पकड़ रहे हैं अभी, भाई लोग सब पकड़ रहे हैं, देखो अब मेरे सामने भी एक जा रहा है, देखो रेड कलर, ये पूरा बीच में देखो कितना मस्त है, देखो अभी रुक गया, फोटो खींचना बोल के रुक गया देख के, आए इधर चुपचाप बैठ गया। अभी इधर उसका घर नहीं है ना, घर उस साइड में है, तो इस साइड में आ गया है, अभी जाएगा किधर, हो पानी में ही जाएगा वो ऐसे भी। अभी देखो गाइस ये घर बना के अभी इधर घुस गया जाके, अभी हाथ भी लगा रहा हूँ इसको, अभी उठाएगा तो काट फट देगा, अभी घर बना रहा धीरे धीरे करके, और एक घर बना के अभी घुस गया, इसको उठाऊंगा तो काट फाट लेगा इसको, खोल बहुत मजबूत है इसका खोल, अभी रहने देते हैं इसको, छोड़ते हैं इसको अभी। तो गाइस बीच का टूर, आके नहा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इतना सा था ब्लॉग, बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, कभी भी टाइम मिले तो ब्लॉग बनाऊंगा, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में सब्सक्राइब करना, और फेसबुक को फॉलो कर लेना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।